बटाला दे पिंड बिजली कोल एक स्कूली बस बच्चों की भरी हुई जिस विच लगभग 42 के करीब बच्चे सवार सी। वो बस धुएं की चपेट में आने कारण जो नाड़ नूं अग लगन तो बाद सड़क के उपर धूं आया सी उहदे चपेट में आने कारण सड़क तो उतर के खेतों में चली गई तो उसनूं अग लग गई। अग लगन के कारण करीबन करीबन 7 बच्चे गंभीर रूप दे विच झुलस गए जिन्हों के 8 साल बच्चे की बहुत हालत माड़ी है। जिस तो बाद आस पास के लोगों ने आके बच्चे स्कूल वैन के शीशे भन के बाहर कढ़े। गल इत्थे ये है कि की इस तरीके दे नाल मनुखी जाना इस तरीके दे नाल कुदरत नाल खिलवाड़ हुंदा रहेगा कुछ सोचण दी लोड़ है जां नहीं। इत्थे एक सवाल यह भी हुंदा है कि असी कुदरत नाल खिलवाड़ तां कर सकते हाँ, असी मनुखां नाल खिलवाड़ भी कर सकते हाँ। कि इह स्कूल वैन दे विच कोई बाहरों आए बच्चे सी, ये साडे ही बच्चे सी, साडे पंजाब दे बच्चे सी, साडे पिंडां दे बच्चे सी। तां बटाला विखे 32 दे करीब बच्चों का इस तरीके दे नाल जख्मी होना, 7 दे करीब बच्चों का बुरी तरह नाल झुलस जाना सवाल खड़े करता है कि असी जिथे आने वाले भविख में नस्लों लिए कंडे बीज रहे हैं उत्थे मौजूदा रूप में भी जो साडे बच्चे है उन्होंने भी असी मारन ते तुले हुए हैं। तो पूरी रिपोर्ट देखो, आओ तुहानू दिखाउणे आ किसानां दा की कहना है, लोगों का की कहना है, पुलिस का की कहना है। मेरा नाम पवन कुमार है जी। कुमार जी की होया सी और किहदा कसूर सी? कसूर इत्थे किसे दा नहीं गा, अग लगी सी नाल दे विच, अग लगी सी, अग बल रही सी बड़े जोर दे विच। चलो असीं मानदे ड्राइवर का भी कसूर इस गल दे विच हैगा भी तू अग वेख सर जी पिछा कंट्रोल कर जांदा, उन्हें अग मर जी वेखी तो गड्डी अपने कड़न गड्डी इतने पलट गई है बच्चे न्याणे 30-35 न्याणे बच्चे ही जो कोई 5-7 पिछले लाते ही अगले 30-35 न्याणे जो पिंड के बेचारे ना आन के कोशिश कर पिंड वाले आन के इन्हें मतलब भी अपना आप नहीं वे कई बंद जो छड़े आप हम टंग लवा गए मुंडे शीशे बहुत ने तोड़ने पे उन्होंने तोड़े आ लभद नहीं मौके की चीज़ कोई ना कोई बत्ती आँदी ना कोई पानी का प्रबंध है भाजना अटका के लोगों ने अग किस तरह मतलब बच्चे कड़ ले बस जी छड़नी हो सड़ गई है कसूर होने वो दसो भी कहता वा कसूर तो अभी माने अग लाने वाले का ही आ तेज सी अग लाने का कसूर है तेज हवा दे नाल अग जड़ी है फैली है। हाँ जी हाँ जी ज्यादा नहीं हवा भी मतलब भी ज्यादा करके भड़की अग सारे खेतां च पग लगी उहनूं कुछ पता नहीं लगा ड्राइवर नूं ड्राइवर नूं पता ही कुछ नहीं लगा वो किहड़े वेले गड्डी पै गई डिग पई मुड़ के जो गड्डी पलट गई है ते अग सारे अग लग गई सारे भज आए ड्राइवर भी सोचना चाहिए बहुत ज्यादा धुआं वा सड़क सड़क नहीं है ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਇਹ ਚਲੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇਰੀ ਇੰਨਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀ ਵਾਕੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗੀ ਸਿਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸੀ ਧੂੰਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਬਚ ਗਏ ਆ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਯਾਰ ਜੇ
हाँ जी शॉर्ट कर लें एक मिनट में। वीडियो भाई तेरे को वीडियो नहीं।